हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे होंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ डीले के बारे में है ना कंप्यूटर नेटवर्क में कितने तरीके के डीले होते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं जैसे कि पहला डीले होता है ट्रांसमिशन डीले ठीक है दूसरा डीले होता है प्रोपेगेशन डीले तीसरा होता है क्यूइंग डिले और चौथा होता है प्रोसेसिंग डीले तो ये बेसिकली चार तरीके के जो है डीले होते हैं है ना तो एक एक करके इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं तो टाइप ऑफ डिले इन ए कम्प्यूटर नेटवर्क टू होस्ट ए एंड बी आर कनेक्टेड ओवर ए ट्रांसमिशन लिंक और ट्रांसमिशन मीडिया अगर दो होस्ट एक दूसरे से किसी ट्रांसमिशन लिंक या ट्रांसमिशन मीडिया से कनेक्टेड हैं तो ये डीले uh, हो सकते हैं कौन कौन से डीले हो सकते हैं जैसे ट्रांसमिशन डीले हो सकता है प्रोपोगेशन डीले हो सकता है क्यूइंग डिले हो सकता है और प्रोसेसिंग डिले हो सकता है तो ये चार तरीके के जो है हमारे डिले होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक ठीक है पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन डिले क्या होता है टाइम टेकन टू पुट द डेटा ऑन द ट्रांसमिशन लिंक इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन जब हम अपने लिंक पे जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं जब हम अपने लिंक पे जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं जब भी हमारा जो डेटा होता है वो लिंक हमारा जो चैनल है उसके ऊपर पहुंचता है उस डिले को हम क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन डीले बोलते हैं है ना तो ट्रांसमिशन डीले का फॉर्मूला होता है लेंथ या साइज ऑफ डेटा पैकेट ये जो लेंथ है या लेंथ बोल लीजिए या साइज ऑफ डेटा पैकेट बोल लीजिए ठीक है तो जो हमारा डेटा पैकेट का साइज़ है अपॉन बैंड ऑफ ए नेटवर्क है ना अगर हमें ट्रांसमिशन डिले निकालना है तो हमें डेटा पैकेट का साइज पता होना चाहिए और बैंड पता होनी चाहिए नेटवर्क की तो हम जो है ट्रांसमिशन डिले निकाल सकते हैं अब हम प्रोपिकेशन डिले के बारे में बात करते हैं टाइम टेकन फॉर वन बिट टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड ऑफ द लिंक इज कॉल्ड द प्रोपिकेशन डिले जब सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा पहुंचता है है ना जब सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा पहुंचता है है ना तो वो पहुंचने के टाइम को हम क्या बोलते हैं प्रोपगेशन डिले बोलते हैं जो पहुंचने का टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपगेशन डिले बोलते हैं ठीक है तो प्रोपोगेशन डिले का जो है एक फार्मूला होता है उसका क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर जो सेंडर और रिसीवर का जो डिस्टेंस होता है वो होना चाहिए अपॉन है ना ट्रांसमिशन स्पीड पता होनी चाहिए जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है हमारी है ना तो हम ये पता कर सकते हैं कि प्रोपिगेशन डिले कितना है ठीक है अब हम क्यूइंग डिले के बारे में बात करते हैं क्यूइंग डिले क्या होता है टाइम स्पेंड बाय डेटा पैकेट वेटिंग इन ए क्यू बिफोर इट टेक टेकन फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द क्यूइंग डिले क्यूइंग डिले क्या होता है है ना जो डेटा पैकेट हमारा टाइम स्पेंड करता है किसी क्यू में आता वेट करता है प्रोसेस होने के लिए है ना तो वेट करने के लिए किसी बफर में जा करके स्टोर होता है ना तो बफर से जब डेटा को लिया ले, ले करके जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो बफर में कितनी देर तक रुकेगा उसको हम क्या बोलते हैं क्यूइंग डिले बोलते हैं तो क्यूइंग डिले किस तरीके से हमारा बफर में ऐड होता है जैसे कि ये कई पैकेट्स हैं ना तो ये जो है एक आ, क्यू में जो है वेट कर रहे हैं प्रोसेस होने का तो इसको हम क्या बोलते हैं क्यूइंग डिले बोलते हैं ठीक है अब हम प्रोसेसिंग डिले के बारे में बात करते हैं कि प्रोसेसिंग डिले क्या होता है टाइम टेकन बाई प्रोसेसर टू प्रोसेस द डेटा पैकेट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले है ना कितना टाइम लगा रहा है प्रोसेसर किसी प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है प्रोसेसर हमारा किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो वो हमारा क्या कहलाता है प्रोसेसिंग डिले कहलाता है ठीक है इट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोसेसर और ये किस पे डिपेंड करता है प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है है ना अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्रांसमिशन डीले नेटवर्किंग डिले के अंदर तो अगर टोटल डिले निकालना है अगर हम कोई भी डेटा को या कोई पैकेट को हम भेजते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक तो कितना डिले लगता है ना तो टोटल डिले कितना लगता है तो टोटल डिले निकालने के लिए हमें जो है ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए प्रॉपिकेशन डिले पता होना चाहिए क्यूइंग डिले पता होना चाहिए और प्रोसेसिंग डिले पता होना चाहिए है ना तो ये अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा कितने समय में पहुंच रहा है ठीक है अब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है ना तो ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन स्पीड है ना जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 2.1 पॉइंट वन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड 2.1 पॉइंट वन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है ना जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड होती है ठीक है अब जो ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड होती है वो जो सिग्नल जो ट्रेवल करता है वो सेवेंटी परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है ना जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका सेवेंटी परसेंट होता है हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की सेवेंटी परसेंट होती है ठीक है तो हम अगर भूल जाते हैं कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड क्या होगी है तो हम स्पीड ऑफ लाइट से उसको निकाल सकते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड है ना थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड जो है लाइट की स्पीड होती है है ना तो उसको हम पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है स्पीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर निकल जाएगा ठीक है अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं जैसे कि जो हमारी बैंडविथ होती है बैंडविथ है ना उसको हमेशा जो है टेन की पावर में एक्सप्रेस करते हैं है है ना ना टेन की की कुछ पावर्स होंगे है ना उसके फॉर्म में हम जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि वन केबी पर सेकेंड केबी पर का क्या मतलब है टेन की पावर थ्री बिट्स पर सेकेंड है ना टेन की पावर बिट्स पर सेकेंड इसको इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं अब जैसे वन एम बी पी एस है ना वन एम बी पी एस की स्पीड आ रही है बैंड विथ है तो क्या हो जाएगा टेन की पावर सिक्स बिट्स पर सेकेंड क्या हो जाएगा टेन की पावर सिक्स बिट्स पर सेकेंड ठीक है अब वही अगर हम डेटा की बात करें जो हमारा डेटा होता है या उसको हम फाइल बोल सकते हैं तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते करते हैं हैं उसको हम आ, की पावर में करते हैं। हमेशा जो है है की की पावर पावर में ही एक्सप्रेस करेंगे ना समथिंग होगा कुछ तो जो हमारा फाइल होता है या हमारा कोई जो डेटा होता है वो जो है टू की पावर में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि वन केबी की कोई फाइल है है ना वन केबी की कोई फाइल है या वन कोबी केबी का कोई डेटा है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे टू की पावर टेन बाइट्स है ना टू की पावर टेन बाइट्स ठीक है फिर इसके बाद जैसे वन एम बी है MB, ना तो वन एम बी को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वन एम बी जो है टू की पावर ट्वेंटी टू की पावर ट्वेंटी बाइट्स है ना टू की पावर ट्वेंटी बाइट्स तो जो हमारा डेटा होता है वो हमेशा जो है बाइट्स में होता है है ना और जो हमारा बैंडविथ होता है ये हमेशा बिट्स में होती है ठीक है जो हमारी जो बैंडविथ होती है ये हमारी बिट्स में होती है है ना और जो हमारा डेटा होता है ये हमेशा बाइट्स में होता है ठीक है सो थैंक यू